अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चंचलगुड़ा मादानापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी होगा, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ेरे इलाज है। छोटी छोटी बात पर इस तरह से हत्यारा निकालना, हमले करना, ये बड़ी अफसोस की बात है। पुलिस जगह जगह पर तलाशी करती है, कॉटन सर्च के जरिए घर तलाश करती है, बावजूद इसके इस तरह से हथियार रखना और ऐसे मौकों पर हत्यारा निकाल कर हमले करना, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। पुलिस की लापरवाही और पुलिस की नाकामी नजर आती है, और पड़ोसी होने के नाते बात खत्म करने की बजाय अब पड़ोसी ही एक पड़ोसी के दुश्मन बनते जा रहे हैं, ऐसी हालत बनते जा रहे हैं। बहरहाल, जख्मी के घर वालों ने मुतालबा किया कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके। मोहल्ले वाले भी परेशान हैं इन लोगों से जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहरहाल, पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अब्दुल रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, पूरा देखे, देखने के बाद में केस रजिस्टर्ड करे हैं। अब पता नहीं कुछ अरेस्टिंग हुए हैं या नहीं है, मेरे को के अभी इत्तला नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। और मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी के और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से अपील है कि इस चीज़ों को सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि आने वाले हालात दिन ब दिन शहर के हालात ऐसे चीज़ों से बिगड़ रहे हैं, तो इनको ज़्यादातर सख्ती से निपटेगी पुलिस ये चीज़ों को, तो आगे चल के ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अगर इसको ढील देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसे वाकयात होंगे, शहर के हालात ख़राब होंगे। क्योंकि देखिए आप, शहर के हालात ऐसे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं ये अपील करता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से करता हूँ, CM साहब से, होम मिनिस्टर साहब, कि इसको आप लोग सख्ती से निपटिए, ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। ये आप मारे जो बता रहे हैं, उसकी एक्चुअल वजह क्या है, किस बात को लेकर ये तनाव हुआ? भाई, ये एक मलगी का है, जो मलगी है मशाक की, ओनर है उन्होंने मलगी के, उनका मकान भी उसी को लग के मलगी के, तो उन्होंने मलगी किसी को किराए पे दिए, तो उनके घर के बाजू वालों को ऑब्जेक्शन है कि भाई फलाना कारोबार को मत दीजिए मलगी, वो कोई गैर कोई खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ के, किराएदार है या फिर बाजू वाले जो मारने वाले हैं, इनके घर से चार घर बाद में है उनका घर, चार घर बाद में, इनके घर को लग के भी नहीं है, जो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा मध्य होकर के, चार घर बाद में जो घर के बाजूक वाले हैं उनको ऑब्जेक्शन है, उनसे जो इन्हों खाली पी लिया है, जो नज़ीर करके है उसका काम वही है, उन्होंने सुबह से शाम तक लड़ना झगड़ना, उससे पड़ोसियां बेजार है, उससे मोहल्ले वाले बेजार है, वो जो मलगी का जो बोल रहा हूँ मैं आपको, उससे चार पाँच घर छोड़ के इनका घर है जी। चंचलगुड़ा, चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं, ये भी चंचलगुड़ा नई सड़क के हैं लोग। अभी बिल्डिंग और CC रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है, जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स, अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर वन क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की, पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर वन मियार फरहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फरहमी, तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाकई है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।